हाय फ्रेंड्स, हाउ टू टेक जी में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ये क्या होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी से, जी मतलब जनरेशन यानी पीढ़ी, इंटरनेट की पीढ़ी। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं हम 1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन से। 1980 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये एक एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल था। कहने का मतलब ये है कि इससे सिर्फ कॉल होती थी, मतलब सिर्फ बातें किया करते थे, और जो इसकी स्पीड थी वो थी 2.4 KBPS। इसके बाद आता है 2G यानी सेकेंड जनरेशन, जो कि 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और इसके कॉल के साथ साथ आप इसमें SMS भी कर सकते थे, और जो इसकी स्पीड थी वो थी 64 KBPS। इसके बाद आता है 2.5G। कहने का मतलब ये है कि जब अपना नेट ऑन करते हैं तो आइकन G बना हुआ आता है, वो 2.5G का नेटवर्क होता है, इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसके बाद आता है 2.75G। इसकी ये EDGE का नेटवर्क है, और इसकी स्पीड 128 KBPS तक की थी, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। 3G 2001 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और ये एक फास्ट इंटरनेट था। कहने का मतलब इसमें वीडियो कॉल भी आ गई थी, और फास्ट इंटरनेट कि हम YouTube भी चला सकते थे विदाउट स्ट्रीमिंग। ओके, इसके बाद आप देखेंगे इसमें बेटर स्ट्रीमिंग थी, और इसके साथ साथ जो हम आज के दौर पर 3G में करते हैं वो भी है। और इसके बाद आता है 4G यानी फोर्थ जनरेशन, जो कि 2011 में लॉन्च हुई थी, और ये एक LTE नेटवर्क था। कहने का मतलब बहुत लाइट नेटवर्क था और डिज़ाइन डाटा था, और इसके साथ साथ इसकी जो स्पीड थी वो 100 MBPS तक की थी। इसके बाद आता है 5G यानी फिफ्थ जनरेशन, जिसकी स्टार्टिंग होगी 2020 में कहा जा रहा है, और इसकी स्पीड 1 GBPS से भी ऊपर होगी माना जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर, एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।